छात्रों प्राचीन भारत के जो इतिहास को जानने के जो स्रोत है उसके अंतर्गत जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें हम जो प्रमुख अभिलेख है जो हमें प्राचीनतम भारतवर्ष की सटीक जानकारी प्रदान करते हैं, तो उन जो पुरातात्विक महत्व के जो अभिलेख है उनका हम जो उस पर हम चर्चा करते हैं छात्रों। तो छात्रों प्रमुख अभिलेख कौन कौन से छात्रों? बोगज कोई का अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख मोस्ट इम्पोर्टेंट है छात्रों, न्यू टाइप में भी पूछा जाता है तथा या अभिलेखों में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो बोगज कोई अभिलेख छात्रों स्थान मतलब ये कहाँ से स्थान प्राप्त हुआ है? स्थान इसका ये मध्य एशिया, बोगज कोई का अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? मध्य एशिया से प्राप्त होता है, मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। समय मतलब इसका जो निर्माण है समय कब, इसका निर्माण का समय, निर्माण का समय जब बोगज कोई का अभिलेख निर्मित हुआ तो उसका निर्माण का समय था 1400 ईस्वी पूर्व, 1400 ईस्वी पूर्व। संसार का सबसे प्राचीनतम अभिलेख, संसार का सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम अभिलेख, संसार का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? बोगज कोई का अभिलेख है छात्रों, मध्य एशिया से ये प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख में इसकी जो गजब की बात है छात्रों वो है इस अभिलेख में, इस अभिलेख में, इस अभिलेख में वैदिक देवता, वैदिक कालीन देवता इंद्र, इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख किया गया है, का उल्लेख मिलता है। छात्रों जो बोगज कोई का जो अभिलेख है संसार का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, 1400 ईस्वी पूर्व इसका जो निर्माण हुआ था। और इस अभिलेख में जो विशेष गजब की बात ये है कि इस अभिलेख में ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है? मध्य एशिया से ये प्राप्त होता है और मध्य एशिया के अंदर ये स्थित है। और ये शिलालेख में जो वैदिक कालीन जो देवता है भगवान इंद्र वरुण नासत्य मित्र, तो इन जो वैदिक कालीन देवी देव इन वैदिक कालीन देवताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इससे पता चलता है कि जो वैदिक धर्म के लोग कहाँ रहते थे, वैदिक धर्म के लोग उस समय मध्य एशिया के अंदर भी मौजूद थे। तो इसका मतलब है साम्राज्य विस्तार वहां तक है जो वैदिक धर्म के लोगों का साम्राज्य था, जब भी ये शिलालेख मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है और 1400 ईस्वी पूर्व का ये जो शिलालेख है। और इस शिलालेख में वैदिक कालीन जो देवता है भगवान इंद्र वरुण मित्र वे नासत्य, तो इन देवताओं का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। तो छात्रों इसके अतिरिक्त हाथी गुफा का अभिलेख, अगला जो अभिलेख है हाथी गुफा, हाथी गुफा का अभिलेख, हाथी गुफा का अभिलेख मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों। ये कहां से प्राप्त हुआ? स्थान मतलब किस स्थान पर है ये? उदयगिरी, उदयगिरी कहां आता है छात्रों? ये आता है ओडिशा, ओडिशा उड़ीसा, ओडिशा जिसे हम उड़ीसा के नाम से भी जानते हैं छात्रों। कहा आता है? ओडिशा के अंदर, ओडिशा मतलब उड़ीसा के नाम से भी हमें जो इसे जानते हैं वर्तमान, जो प्राचीन वर्तमान में हम इसे ओडिशा के नाम से जानते हैं छात्रों। उदय ये है हाथी गुफा अभिलेख, ये कहाँ से प्राप्त होता है? उदयगिरी नामक जो स्थान है तो वहां से ये उदयगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसकी गुफाओं के अंदर से ये प्राप्त होता है। और गुफा का क्या नाम है? हाथी गुफा नाम है। तो उदयगिरी की पहाड़ियों
से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है, यह अभिलेख प्राप्त हुआ है, यह अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है, तिथि रहित अभिलेख है, तिथि रहित अभिलेख है। कलिंग के राजा खारवेल की जानकारी देता है, कलिंग के राजा, कलिंग के राजा खारवेल की जानकारी देता है, कलिंग के राजा खारवेल की जानकारी देता है। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी क्या छात्रों इसके अंदर, दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है भारतवर्ष का नाम सर्वप्रथम इसी अभिलेख में भारतवर्ष नाम का उल्लेख सर्वप्रथम इसी अभिलेख में हुआ, सर्वप्रथम इसी अभिलेख में हुआ। तो छात्रों जो हाथी गुफा का जो अभिलेख है ये क्या है कि उदयगिरी ओडिशा के, उड़ीसा जिसे वर्तमान में हम ओडिशा के नाम से जानते हैं, तो ओडिशा के ये उदयगिरी की पहाड़ियों से जो ये हाथी गुफा का हमें जो अभिलेख प्राप्त होता है, इसकी विशेषता है, इसकी गजब की विशेषता ये है कि प्रथम बार इसके अंदर भारतवर्ष का नाम, भारतवर्ष जो नाम है उसका अभिलेखीय प्रमाण, प्रथम अभिलेखीय प्रमाण हमें जो प्राप्त होता है वो हाथी गुफा के अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। तो इसके अंदर भारतवर्ष नाम का उल्लेख किया गया है, तो इसकी दूसरी विशेषता है कि ये तिथि रहित है, अर्थात इसके अंदर कोई तिथि लिखी हुई नहीं है, ये कलिंग के राजा खारवेल की हमें जानकारी देता है। इसकी जानकारी दे रहा है कलिंग के राजा खारवेल की जानकारी दे रहा है, भारतवर्ष नाम की हमें जानकारी दे रहा है और ये तिथि रहित है जो अभिलेख है। अगला जो अभिलेख है जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख मोस्ट अभिलेख है, न्यू टाइप में भी आपके पूछा जाता है जूनागढ़ का अभिलेख। तो ये कहां से प्राप्त होता है छात्रों, ये हमें प्राप्त होता है जूनागढ़, और जूनागढ़ कहां पर स्थित है, जूनागढ़ है गुजरात के अंदर, गुजरात के जूनागढ़ से प्राप्त हो रहा है, कहां से प्राप्त हो रहा है गुजरात के जूनागढ़ से, राजस्थान के जूनागढ़ से नहीं, ये गुजरात के जूनागढ़ से हमें प्राप्त होता है। छात्रों शक वंश के शासक, शक वंश के शासक रुद्र दामन की जानकारी, रुद्र दामन की विजयों उपलब्धियों का वर्णन, विजयों उपलब्धियों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। भारत का संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम शिलालेख, संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम शिलालेख, संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम शिलालेख, संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम शिलालेख चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का, चंद्रगुप्त मौर्य नाम का
उल्लेख चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख करने वाला प्रथम शिलालेख स्वयंवर प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम शिलालेख या प्रथम अभिलेख प्रथम शिलालेख। तो छात्रों जो जूनागढ़ का अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? ये गुजरात के जूनागढ़ नामक जो स्थान है अर्थात जूनागढ़ का किला है गुजरात के अंदर, वहां से ये हमें प्राप्त होता है। तो छात्रों जूनागढ़ नामक स्थान से ये हमें प्राप्त हो रहा है। और जो ये किसकी जानकारी दे रहा है? शक वंश के राजा रुद्रदामन की हमें जानकारी देता है। शक वंश के राजा रुद्रदामन की उपलब्धियों की जानकारी, उसकी विजयों की जानकारी हमें जो जूनागढ़ शिलालेख से हमें प्राप्त होती है। जूनागढ़ का जो ये अभिलेख है, ये भारत का प्रथम ऐसा अभिलेख है जो प्रथम बार संस्कृत भाषा के अंदर निर्मित हुआ, अर्थात भारत में संस्कृत भाषा में निर्मित होने वाला जो प्रथम अभिलेख है वो कौन सा है? जूनागढ़ का अभिलेख है। और इस जूनागढ़ अभिलेख से हमें मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य का नाम प्रथम बार यहां से हमें पता पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का हमें इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के नाम की जानकारी देने वाला प्रथम जो अभिलेख है वो कौन सा है? जूनागढ़ का अभिलेख है। तथा भारतवर्ष में स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी और स्वयंवर प्रथा का जो प्रथम बार उल्लेख करने वाला अभिलेख कौन सा है? वो भी है जूनागढ़ अभिलेख। छात्रों स्वयंवर प्रथा के अंतर्गत जो कन्या थी वो अपने मन पसंद अपनी पसंद से जो वर का चुनाव किया करती थी। तो स्वयंवर प्रथा के अंतर्गत जो है कन्या वर का अपने मन पसंद जो अपने मन से उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता था और अपनी इच्छा से अपने वर का चुनाव करती थी। तो इस प्रकार की जो विवाह प्रथा थी स्वयंवर विवाह प्रथा, तो उसका वर्णन भी हमें किसके अंदर सर्वप्रथम मिलता है? जूनागढ़ के जो अभिलेख के अंदर हमें उसका वर्णन मिलता है। नासिक अभिलेख, अगला जो अभिलेख है छात्रों नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख छात्रों ये कहां स्थित है? नासिक महाराष्ट्र। कहां से प्राप्त हुआ ये? नासिक महाराष्ट्र से हमें जो ये प्राप्त होता है। सातवाहन शासक, सातवाहन वंश के शासक, सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों की जानकारी देता है। उपलब्धियों की जानकारी देता है गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों की जानकारी देता है। इस अभिलेख का निर्माण अभिलेख का निर्माण गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री ने करवाया, गौतमी बलश्री ने करवाया। छात्रों नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? महाराष्ट्र के नासिक नामक स्थान से ये हमें प्राप्त होता है। सातवाहन वंश के राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों की, उसकी विजय की, उसके साम्राज्य की, उसके प्रशासन की हमें ये जानकारी प्राप्त इससे अभिलेख के माध्यम से होती है। तथा इस अभिलेख का निर्माण है जो गौतमी बलश्री ने करवाया। तो छात्रों इस प्रकार से ये अभिलेख है। छात्रों इसमें जो प्रशस्ति अभिलेख है इसमें कहीं कहीं ये भी शब्द आता है प्रशस्ति। तो प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति के बारे में देखिए कि जिन अभिलेखों में राजा महाराजाओं की प्रशंसा की जाती है तो वो क्या कहलाती है? प्रशस्ति। प्रशंसा करने वाले जो शिलालेख होते हैं, प्रशंसा करने वाले जो अभिलेख है वो क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति कहलाते हैं। तो जिन
अब जिन अभिलेखों में राजा महाराजाओं की प्रशंसा की गई है वो अभिलेख क्या कहलाएंगे, प्रशस्ति कहलाएंगे। तो प्रशस्ति भी क्या है कि ये अभिलेखों का ही एक भाग है, जो अभिलेख ही है, अभिलेखों का ही एक भाग है, अभिलेखों का ही एक रूप है। तो छात्रों जिन अभिलेखों के अंदर राजा महाराजाओं की प्रशंसा की जाती है वो क्या कहलाते हैं, प्रशस्ति कहलाते हैं। छात्रों अगला है जो प्रयाग स्तंभ लेख, अगला जो भारत की इतिहास की हमें जानकारी देता है, प्राचीनतम भारत के इतिहास की, वो है छात्रों प्रयाग स्तंभ लेख, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, इसे हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, इसमें प्रशंसा की गई है इसलिए प्रशस्ति कहलाया है। छात्रों स्थान कहां से कहां पर स्थित है ये प्रयाग स्तंभ लेख, इसका स्थान है छात्रों प्रयागराज, प्रयागराज कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश। पहले ये प्रयागराज का जो पहले नाम था इलाहाबाद था छात्रों, इलाहाबाद को आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इसलिए कहां पर अब इसका स्थित हो गया ये प्रयागराज के अंदर स्थित है। तो प्रयागराज कहां पर है, प्रयागराज कहां आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, तो यहां पर ये स्थित है। छात्रों इस प्रशस्ति की रचना, इस प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने, हरिसेन हरि सेन नामक विद्वान ने की। इस प्रशस्ति की रचना हरिसेन नामक विद्वान ने की। यह प्रशस्ति गुप्त वंश के शासक, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की दिग्विजयों समुद्रगुप्त की विजयों नीतियों समुद्रगुप्त की विजयों नीतियों का वर्णन करती है, का वर्णन करती है। छात्रों जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति उत्तर प्रदेश के प्रयाग नामक स्थान पर स्थित है। प्रयाग को जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, आजकल इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये समुद्रगुप्त का ये जो समुद्रगुप्त की ये प्रशस्ति स्थित है, प्रयाग प्रशस्ति, इसमें समुद्रगुप्त की साम्राज्य की प्रशंसा की गई है, उसके युद्धों के बारे में बताया गया, उसके द्वारा जो लड़े गए युद्ध है, उसकी दिग्विजय जो नीति थी, उसकी दक्षिणी भारत के प्रति जो नीति थी, उसकी आर्यावर्त के राजाओं के प्रति अर्थात जो उत्तरी भारत के राजाओं के प्रति जो उसकी नीति थी, तो उन नीतियों का भी इसके अंदर वर्णन किया गया है। तो ये छात्रों ये तत्कालीन भारतवर्ष की जो राजनीतिक स्थिति के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में, तो ये प्रयाग प्रशस्ति नामक शिलालेख बताता है। तो छात्रों प्रयाग प्रशस्ति से हमें गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और इस प्रशस्ति अर्थात इस जो अभिलेख है, यह स्तंभ लेख है, इस स्तंभ लेख का जो रचनाकार कौन था, हरिसेन नाम का विद्वान था। छात्रों एहोल अभिलेख, अगला जो अभिलेख है एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख को एहोल प्रशस्ति भी कहा जाता है, एहोल प्रशस्ति, एहोल अभिलेख को एहोल प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्थान मतलब ये जो प्रशस्ति कहाँ स्थित है, कर्नाटक के अंदर, कहाँ से प्राप्त होती है, कर्नाटक, कर्नाटक जो राज्य है वहां से ये हमें प्रशस्ति प्राप्त होती है। और इसके अंतर्गत चालुक्य वंश, इस प्रशस्ति की रचना पहले रचनाकार देखते हैं, रचनाकार अर्थात इसका जो निर्माण करवाया, इसका जो लिखने वाला था इस प्रशस्ति को वो कौन था, रवि कीर्ति, कौन था, रवि कीर्ति, जैन विद्वान था ये रवि कीर्ति, इसने ए
देवल प्रशस्ति की रचना की और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? चालुक्य वंश के शासक, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों की जानकारी, की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है, उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। पुलकेशिन द्वितीय जो दक्षिणी भारत के चालुक्य वंश के शासक थे, पुलकेशिन द्वितीय, उनकी उपलब्धियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य, पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर लड़े गए युद्धों, नर्मदा नदी के तट पर लड़े गए युद्ध की जानकारी मिलती है, की जानकारी मिलती है। एहोल प्रशस्ति से, एहोल प्रशस्ति में प्रथम बार गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है, प्रथम बार गुर्जर, प्रथम बार गुर्जर शब्द का उल्लेख मिलता है, गुर्जर शब्द का उल्लेख मिलता है, गुर्जर शब्द का उल्लेख मिलता है। कालिदास का प्रथम उल्लेख महाकवि, महाकवि कालिदास का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण, प्रथम अभिलेखीय प्रमाण एहोल अभिलेख से मिलता है, एहोल अभिलेख से मिलता है। छात्रों जो ये एहोल प्रशस्ति है, इस एहोल प्रशस्ति में हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है, तो ये इसके बारे में हम देखते हैं कि एहोल जो अभिलेख है इसमें पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश के शासक, दक्षिणी भारत के अंदर जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का इसके अंदर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। छात्रों ये जो एहोल अभिलेख है ये कर्नाटक से हमें प्राप्त हुआ, कहां से प्राप्त हुआ, एहोल नामक स्थान है और एहोल नामक स्थान कहां पर है, कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है, तो कर्नाटक से हमें प्राप्त हुआ है। एहोल जो प्रशस्ति है इसका रचनाकार है जैन विद्वान है और जैन विद्वान का नाम क्या है, रवि कीर्ति, तो रवि कीर्ति नाम के जैन विद्वान ने एहोल जो अभिलेख की रचना की। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों की ये जानकारी देता है। छात्रों इसके अंदर एक महत्वपूर्ण जानकारी ये प्राप्त होती है कि सातवीं शताब्दी के अंदर जो भारत का जो सबसे बड़ा शासक था सम्राट हर्षवर्धन, वर्धन वंश के राजा थे इनमें, तथा सातवीं शताब्दी के अंदर दक्षिणी भारत के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, तो इनमें साम्राज्य विस्तार को लेकर नर्मदा नदी के तट पर एक भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को बुरी तरह पराजित किया। तो एहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया। तो छात्रों इस एहोल अभिलेख से एक जो महत्वपूर्ण
जो बात का ये भी पता चलता है कि प्रथम बार गुर्जर शब्द, जो गुर्जर शब्द है प्रतिहार राजवंश के लिए, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, प्रतिहार वंश के लिए, जो पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी भारत की जो प्रबल शक्ति थी प्रतिहार वंश, तो उसके बारे में भी, तो इसके बारे में जो वर्णन किया गया, तो गुर्जर शब्द का प्रथम बार जो उल्लेख किसमें मिलता है, ऐहोल जो प्रशस्ति इसके अंदर मिलता है, तथा कालिदास जो महाकवि कालिदास थे, संस्कृत के महान विद्वान थे कालिदास, तो उनका भी प्रथम अभिलेखीय प्रमाण अर्थात किसी अभिलेख पर जो प्रथम बार प्रमाण कहाँ मिलता है, ऐहोल प्रशस्ति के अंदर जो मिलता है। छात्रों कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि थे, कालिदास द्वारा जो कई ग्रंथों की रचना की गई, इन्होंने 4 नाटक लिखे तथा इन्होंने छात्रों इन्होंने जो प्रमुख ग्रंथ लिखे छात्रों उनके अंतर्गत है कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवर्षीयम, रघुवंश तथा मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत, ये इनके ऋतु संहार, तो इनके ये प्रमुख ग्रंथ थे। तो छात्रों ऋतु संहार मेघदूत, जो ऋतुसार मेघदूत, इसके अतिरिक्त जो इन्होंने जो लिखा छात्रों कुमार संभव तथा अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोवर्षीयम, तो ये छात्रों इनके प्रमुख जो ग्रंथ थे और इन ग्रंथों इन ये संस्कृत भाषा में ये ग्रंथ लिखे गए। तो छात्रों गुप्त वंश के समय के अंदर कालिदास द्वारा जो इन ग्रंथों की रचना की गई और गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये नवरत्नों में से एक थे। तो छात्रों इनका जो प्रथम अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त हो रहा है ये 7वीं शताब्दी के अंदर जो निर्मित जो ये अभिलेख है, कौन सा ऐहोल अभिलेख, तो इसके अंतर्गत इनका अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त होता है प्रथम बार। तो इस प्रकार से छात्रों पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा सम्राट हर्षवर्धन को पराजित करना तथा गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख तथा कालिदास का सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख, हमें ऐहोल नाम की प्रशस्ति है जो कर्नाटक से प्राप्त हुई है, रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई, इसे हमें प्राप्त होता है। छात्रों अगला जो अभिलेख है मंदसौर का अभिलेख, मंदसौर का अभिलेख कहां से प्राप्त हो रहा है छात्रों, मंदसौर कहां पर स्थित है, ये छात्रों मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, मध्य प्रदेश शिवना नदी के तट पर मंदसौर जो शहर बसा हुआ है वर्तमान समय के अंदर, और ये कहां पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। तो यहां से हमें अभिलेख प्राप्त होता है और ये अभिलेख हमें जानकारी प्रदान करता है मालवा के शासक यशोवर्मन, मालवा के शासक यशोवर्मन की उपलब्धियों की जानकारी, मालवा के शासक यशोवर्मन की उपलब्धियों की जानकारी हमें देता है। ग्वालियर प्रशस्ति ये कहां से प्राप्त हुई छात्रों, ग्वालियर कहां आता है, मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश, यहां से भी ये ग्वालियर प्रशस्ति प्राप्त होती है। और ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर घोष द्वारा इस अभिलेखों में प्रशंसा की जाती है वो अभिलेख क्या कहलाते हैं, प्रशस्ति कहलाते हैं। इस प्रशस्ति का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा शासक मिहिर भोज इस प्रसिद्धि का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज द्वारा करवाया गया। इस प्रशस्ति में गुर्जर शासकों की उपलब्धियों गुर्जर
शासकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। छात्रों जो ग्वालियर प्रशस्ति है मध्य प्रदेश के ग्वालियर नामक है जो स्थान निवासी है हमें प्राप्त होती है और ये इस प्रशस्ति का जो निर्माण है वो गुर्जर प्रतियार वंश के शासक मिहिर घोष द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और इस प्रशस्ति के अंदर हमें गुर्जर प्रतियार राजाओं की उपलब्धियों की जानकारी के साथ साथ हमें जो ये पता चलता है कि जो गुर्जर प्रतियार जो शासक थे ये भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की इसमें जो संतान थे तथा जो गुर्जर प्रतियार शासक ये सूर्य वंश से संबंधित थे। तो ये जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, ये जानकारी हमें ग्वालियर प्रशस्ति द्वारा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त देवपाड़ा अभिलेख, अगला जो अभिलेख है छात्रों वो है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख ये अभिलेख बंगाल से प्राप्त हुआ है। देवपाड़ा अभिलेख कहां से प्राप्त होता है छात्रों, स्थान बंगाल, बंगाल से ही हमें प्राप्त हो रहा है और जानकारी हमें देता है बंगाल के राजा विजय सेन, बंगाल के राजा या शासक विजय सेन की जानकारी, विजय सेन की जानकारी। अगला जो छात्रों है हमारा एरण स्तंभ लेख, एरण स्तंभ लेख, एरण स्तंभ लेख छात्रों, एरण जो स्तंभ लेख है एरण नामक स्थान से तीन स्तंभ लेख हमें प्राप्त हुए हैं। हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे, तीनों अलग अलग विषय की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। तो एरण स्तंभ लेख कहाँ है छात्रों, ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थान जो कहाँ से प्राप्त हुआ छात्रों, ये कि हमें मध्य प्रदेश के एरण नामक स्थान से हमें ये जो प्राप्त हुआ। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है यह स्तंभ लेख। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी प्रदान करता है यह स्तंभ लेख। वेदर्भी शैली में लिखा गया है, वेदर्भी शैली में लिखा गया है। एरन यह पहला स्तंभ लेख है। अब दूसरा एरन स्तंभ लेख सेकेंड कर देते हैं, इसको फर्स्ट कर देते हैं यहां छात्रों। तो ये एरन स्तंभ लेख है दूसरा, ये कहां से प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ ये भी स्थान एरण सागर मध्य प्रदेश। कहां से प्राप्त हो रहा है ये भी इसी मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है, ये भी कहां से प्राप्त हो रहा है मध्य प्रदेश से प्राप्त हो रहा है। और जानकारी दे रहा है छात्रों, किसकी जानकारी देता है ये, गुप्त शासक गुप्त का यह लेख है भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेख प्रमाण है। गुप्त शासक बुद्ध गुप्त का
यह अभिलेख है गुप्त शासक बुद्ध गुप्त का, यह अभिलेख है भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण, इसमें भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है भगवान विष्णु की महिमा में, भगवान विष्णु की महिमा में भगवान विष्णु की महिमा में महाराज मात्र विष्णु महाराज मात्र विष्णु व धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ, धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ, ध्वज स्तंभ निर्माण का वर्णन प्रस्तुत करता है, निर्माण का वर्णन प्रस्तुत करता है। इस स्तंभ लेख में सप्ताह के दिनों इस स्तंभ लेख में सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक प्रयोग है, सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है प्रयाग एरण स्तंभ, एरण स्तंभ लेख द्वितीय, लेख द्वितीय तृतीय एरण स्तंभ लेख तृतीय गुप्त शासक भानुगुप्त का यह लेख है। ये कहां से प्राप्त हुआ है? एरण सागर मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। यह गुप्त शासक भानुगुप्त का लेख है। गुप्त शासक भानुगुप्त का लेख है। भारत में प्रथम सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण इसी स्तंभ लेख से, इसी स्तंभ लेख से मिलता है, इसी स्तंभ लेख से मिलता है। गोपराज नाम का योद्धा गुप्त काल में, गोपराज नाम के योद्धा के
वीर गति प्राप्त होने पर गुप्त काल में गोपराज नाम की योद्धा के वीर गति प्राप्त होने पर उसकी पत्नी के सती होने उसकी पत्नी सती हो जाती है। इस बात का उल्लेख इस बात का उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख में मिलता है। छात्रों जो ये अभिलेख है तो ये इन अभिलेखों के माध्यम से जो हमें प्राचीनतम भारत की जो सामाजिक धार्मिक व राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है।